रानी मैनावंती को रोता देखा तो सवाल करा के माँ न्यू बताओ आपके रोने का कारण क्या है। वो उस बात को छुपाने की कोशिश करती है और गोपी सिंह महाराज बार बार अपनी माँ की आत्मा को उखेड़ते हैं। कुरेते के माँ अपने रोने का कारण बता दो नहीं तो आपके सामने अपने आप को भस्म कर लूंगा। माँ मजबूर हो जाती है निकलने के लिए। भाई गोपी चंद जसली बात पूछेगा तैयार से के जैसे आपने नहाने के लिए कपड़े उतारे अचानक मेरा ऊपर से आने होगा। अरे मैंने आपके शरीर को देखा तो मेरे को याद आया आपके पिता यानी कि मेरे पति महाराज पद्म सेन का भी आपकी तरह कंचन जैसा शरीर था। पर एक तो ये मौत निभानी उसको अपने आघोष में ले ली। अरे भाई मैं तेन रोस कदे भी खा जाओ। अरे जब गोपीकृष्ण महाराज ने अपनी माता रानी मैनावंती की बात सुनी बोले अरे माँ आसन ला गया या कोई बात क्या कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिला भाई मैं करूंगी मैं तेरे मरने को ना दूं ऐसा क्या जरिया आपके पास में कि जो आप मेरे को मरने नहीं दोगे। बोली बेटी एक जरिया के मेरे भाई यानी कि तेरे मामा बाबा भरतरी जो खुद भी अमर हैं मैं तेरे को उसके पास लेके जाऊंगी वहां जाकर तेरे को जोग दिलाऊंगी और अमर करा कर लाऊंगी। बोला माँ तू बावली तो नहीं होगी। गोपी चंद अपनी माता रानी मैनावंती के सामने रोने लग जाता है और कैसे दादा ने के लिख दिया के बता भला। परमादरणीय परम पूजी ने मेरे अंकल जी सत्य पंडित जी महाराज 101 में से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई मेरे शास्त्रीय कलाकार नरेंद्र गांगी जी 501 में से मेरा मान सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आदि मेरे छोटे भाई मेरे शास्त्रीय कलाकार हमारे हरियाणा की आन मान शान हरियाणा के नहीं भारत की आन मान शान भाई राम के जीवन परवाड़ा जिनका गाना पाकिस्तान में भी बाजा 501 जैसे मान सम्मान करते हैं मेरे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे आदि मेरे छोटे भाई सुमित जी 101 जैसे मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय प्रेम पूजनीय स्वर्गीय महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी 101 वेश मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे आजीज मेरे छोटे भाई मेरे साथी कलाकार भाई अमित समचाना 501 वेश मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे के घनी बढ़ाई कृत अमित काशी माता शर्म में ये मेरे भगवान हैं जिनके श्री चरणों में बैठ के मैंने ये दो चार बातें सीखी हैं। मेरे परम श्रद्धेय परम पूजनीय मेरे गुरुजी आदरणीय रणवीर जी 101 में से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं गुरुजी के बार बार जय हो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे
हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई हमारे हरियाणा की आन बान शान भजन सम्राट आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र कौशिक जी 1100 रुपए से अपने भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे आदि बहुत बढ़िया लेखक डॉक्टर सुमित पुनिया गांव कनौ डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र कौशिक जी भजन सम्राट हमारे दिलों की धड़कन 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निबोना मां एक बात बता दी, वो इंसान कौन है जिसने तेरे को ये शिक्षा दी कि अपने बेटे को जोग दिवा दे मारे कौन है अमर हो जाएगा। ये बता वो शख्स कौन है जिसने तेरे को ये शिक्षा दी। रानी मैनावंती गर्दन नीचे को गोपी चंद सवाल कर लगा, मां जब मैं साधु हो गया ने तेनू नहीं पता के साधु की डगर कैसी कठिनाई से गुजरती है। ठीक है लगा छोटे भाई मेरे अंकल जी सत्यदेव जी के लड़के 100 रुपए से मान सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आजीज मेरे भाई काला भाई जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे आजीज मेरे छोटे भाई मेरे साथी कलाकार हमारे गुरु जी की पाठशाला की तरफ से भाई विकास पांच सौरिया जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मेरे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आजीज मेरे भाई विजेंद्र नैन जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी हमारे भाई अजीत जी बावड़ निवासी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आदमी हमारे बड़े भाई आर के दई हर आगने 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे आदिज मेरे छोटे भाई मेरे परमित्र भाई मदन शमशाना 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।